कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी टिकट की दावेदारी पेश की है। कुलदीप राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया। इस दौरान कुलदीप राठौर ने पैराशूट से आने वाले नेताओं की जगह पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट आवंटन में तहरीज देने की नसीहत भी दे डाली। कुलदीप राठौर ने कहा कि वे 42 वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और NSUI अध्यक्ष और युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद हिमाचल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब ठियोग की जनता के आग्रह पर टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ठियोग क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है और इस क्षेत्र में लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। लगता है कि आवेदन करना तो पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं संगठन में बहुत लंबे समय से रहा हूँ, 42 साल से ज़्यादा मैंने संगठन में काम किया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, युवा कांग्रेस उसमें, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रवक्ता के रूप में काम किया है और लगभग 3.25 साल मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और एक सफलतापूर्वक मेरा जो है कार्यकाल रहा है। मैंने लोगों के अनुरोध पर जो है ठियोग कुमारसेन कोटगढ़ क्षेत्र है वहाँ से जो है आज आवेदन किया है। अब फैसला जो है पार्टी आलाकमान ने लेना है, लेकिन मैं ये इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह से जन समर्थन मेरे साथ है, निश्चित तौर पे वो सीट कांग्रेस की झोली में जो है आई। कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पार्टी में संघर्ष किया है, वर्षों काम किया है, वो चुनाव क्यों नहीं जीत सकता? वो चुनाव निश्चित तौर पे जीत सकता है और चुनाव जीतने का कौन सा थर्मामीटर है किसी के पास? कोई थर्मामीटर तो है नहीं आप लगा के पता करो कि कितना तापमान है। देखिए, मुझे ये लगता है कि सर्वे हो रहे वो भी ठीक है, जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है, उनकी भी राय होनी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि काम तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर रही है या जिला कांग्रेस कमेटी कर रही है या हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको भी जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए। हाँ, एक बात मैं साफ कहता हूँ कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहा है, अगर उसकी अनदेखी होती है तो ये संदेश पूरे उस क्षेत्र में नहीं जाता, पूरे प्रदेश में ये संदेश जाता है। तो मुझे तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही व्यक्ति को तरजीह मिलनी चाहिए जो संगठन से जुड़ा हो, जिसने पार्टी के लिए समर्पण भावना से काम किया हो और पार्टी की मजबूती में अपना जो है योगदान दिया हो। अगर कोई बगैर किसी शर्त के पार्टी में आना चाहता है, उसका स्वागत है, आए ना काम करे, उसका स्वागत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले के भी अगर आप उदाहरण लो, उसमें अगर कोई पैराशूट से आया तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो मुझे ये लगता है कि जन भावनाओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करना होगा और हमें हर जगह पे जो पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं, ईमानदार हैं, इनकी छवि अच्छी है, संगठन के साथ जुड़े हैं, उनको जो है पार्टी में तरजीह देनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति संगठन का नहीं होगा, जो पार्टी की विचारधारा का नहीं होगा, वो कांग्रेस में रहेगा नहीं। उदाहरण है ना, मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आला कमान इस बात को जो है गंभीरता से ले।